ठीक है, 6.5 आंसर, 6.25। ये जो हमारे पास, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, सर 6.25। वेरी गुड। हमने वीडियोस गूगल क्लासरूम पे डाले थे, वहां लिंक था, तो वहां से ले लिया कीजिए। जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, तो इसका मतलब 10 ओवर में आपके 32 रन बन चुके हैं। आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स। आपका 10 ओवर का मैच हो चुका है, 40 ओवर और रह रहे हैं, उसमें रन रेट बताइए। तो 40 ओवर में यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आपके 40, व्हाट शुड बी द रन रेट, तो एवरेज बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको एवरेज निकालना है टू रीच द टारगेट 282 रन्स। टोटल जो रन है 50 ओवर्स में वो 282 बनाने, तो आप बात कर रहे हो 50 ओवर्स की कि उसमें 50 ओवर्स में 282 बनाने, लेकिन हम 40 ओवर का एवरेज तब निकाल सकते हैं जब हमें 40 ओवर में रन पता चले। तो अब हमारा होगा क्या हुआ ये कि आपके पास 10 ओवर में पहले ही 32 रन बन चुके हैं, टोटल आपको 282 बनाने हैं, तो इसका मतलब अब और कितने बनाने हैं? आप 282 में से 32 माइनस कर दीजिए, है ना भाई, 32 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब आपको 250 रन और बनाने। तो अगर 250 रन आपको बनाने हैं और आपके पास ओवर 40 हैं, तो हर ओवर में कितने रन बनाने वो देखना है, तो 250/40, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो 4 से आप कैंसिल कर दो, कितना आएगा भाई, 6.25। ठीक है सर, तो आप सर ऑप्शन देकर करें तो गलत हो जाएगा क्या? ऑप्शन से क्या करेंगे बताइए सर, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 40 करा था मैंने, ऑप्शन लेकर करा था। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन लेके करा था, बट ऑप्शन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, अगर पहला ऑप्शन सही नहीं है तो दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरा नहीं सही है तीसरा ट्राई करेंगे, तीसरा नहीं सही चौथा ट्राई करेंगे, तो उसमें ट्राई में है, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर उसमें आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो उस ट्राई में भी अगर आप एटलीस्ट इतना लगा लो कि भाई हमारे 32 रन बन चुके हैं और 250 चाहिए, तो 40 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि 250 आ जाए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आइडिया सही रहेगा। आप 40 को 5 से करोगे तो 200 बनेंगे, 40 को 5.5 से करोगे तो 220 बनेंगे, 7 से करोगे तो 280 बनेंगे, तो 6.25 से करोगे तो 250 बनेंगे, तो ये एक आइडिया भी आपको होना चाहिए। मैं चेक भी कर रहा हूँ तो किस तरह से कर रहा हूँ। कितने बच्चों ने आंसर दिया, सर कुछ समझ में आया सब बच्चों को? यस सर, यस सर। दो तीन की आवाज आती है, बाकी तो सारे साइलेंट मोड में रहते हैं। यस सर। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को, आप लोग यहाँ पे मास्टिंग आईआईटी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, कैट या उसका एग्जाम नहीं देने जा रहे हो आईआईएम का, यहाँ पे आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसकी बस इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए, तो आपका काम चल जाएगा। तो एवरेज क्या होता है वो हमें पता है, तो वो अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन कर सकें। तो मेहरबानी करके अगर आप क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो इस टाइम में भी, तो कम से कम आपको ये बताओ कि हाँ ये होना था और मैं, हाँ अगर अब सर ने बता दिया तो अब मैं कर सकता हूँ, तो तब तो सही है। और अगर मेरे समझाने के बाद भी आपको लग रहा है कि सर ये वाली टर्म क्या है और ये वाली टर्म क्या है, तो प्रॉब्लम है,
तो प्लीज पूछा करो, पांच क्वेश्चन अच्छे से एवरेज के कर लीजिए, तो इंशाल्लाह जो लेवल आपके एग्जाम्स का है आप उसमें एवरेज के क्वेश्चन कर लोगे। कल मैंने आपको एग्जाम का क्वेश्चन कराया था, अभी एक दो क्वेश्चन और एवरेज का कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा जीके भी देखेंगे, जीके और रीजनिंग का भी एक दो पार्ट आज से आपका शुरू करेंगे। तो प्लीज जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है स्पेशली उनके लिए जरूरत है, तो अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं कि सर ये वाली टर्म अभी भी समझ नहीं आई, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करें। यहाँ पे हमें 500 क्वेश्चन नहीं करने, हमें 5 क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में करने हैं कि सर क्वेश्चन क्या है। और पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि हम ये देखें क्वेश्चन क्या है और हम उसे किससे सोचा है। 10 ही मिनट क्यों ना लगे, आपसे मैं अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ और आप भी खुद से उम्मीद ना करें कि आप देखते ही 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अभी तो सिर्फ आप क्वेश्चन समझना, दो चीजें हैं ध्यान से रखिए एंट्रेंस के अंदर या एंट्रेंस के हर उसमें पढ़ाई के अंदर सबसे प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हम ये कहते हैं सर क्वेश्चन क्या है ये बताइए, तो पहले क्वेश्चन समझना सीखिए, फिर सॉल्यूशन समझना सीखिए, फिर सॉल्व करिए, फिर उसकी स्पीड बढ़ाइए। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप ये समझने लगे कि हो क्या रहा है क्या। देखिए हो क्या रहा था, आपसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए, सब बच्चे पूछेंगे नहीं। आपके पास 50 ओवर का मैच है, आपसे कह रहा है इन द फर्स्ट 10 ओवर्स क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2। रन रेट का मतलब होता है एवरेज रेट, जब भी रेट आएगा रेट का मतलब एवरेज ही है। किस रेट से दे रहे हो भाई, 10 रुपए किलो दे रहे, यानी कि हर किलो की कीमत 10 रुपए। ऐसा नहीं है पहला वाला किलो 10 रुपए का और अगला वाला किलो 20 रुपए का, तो रेट जब भी आएगा वो एवरेज को ही कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है सर, किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, सर 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब हर घंटा 60 किलोमीटर, अगर 2 घंटे चलेगी तो 120 किलोमीटर पहुंच चुके होंगे, तो रेट जब भी होगा वो एवरेज। तो रेट का मतलब है कि आप हर ओवर में 3.2 रन बना रहे हैं, ये दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग ओवर्स, हर ओवर में क्या, बेटे माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, हर नेक्स्ट ओवर्स में क्या रन रेट होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स। हमारे पास रिमेनिंग ओवर्स रह गए 40, उसमें क्या रन रेट होना चाहिए, सो दैट, अब यहां क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, सो दैट जो टोटल स्कोर है, ठीक है, जो टोटल स्कोर है 50 ओवर का वो 240 आना चाहिए, 282। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 282। तो अब अगर आपको बाकी के 40 ओवर का रन रेट निकालना है तो 40 ओवर के टोटल रन आपको पता होने चाहिए कि भाई 40 ओवर में कितने रन बने। तो अब आप कैसे करोगे, पहले 10 ओवर में 3.2 के हिसाब से 32 रन बन चुके हैं, 32 रन्स बन चुके हैं, टोटल बनाने थे आपको 282, 32 बन चुके, तो अब और कितने बनाने हैं, अब बनाने हैं 250। अब ये यहाँ क्वेश्चन आ गया, इतना ये वाला क्वेश्चन अब हो गया आपका कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपका ये आ गया कि भाई आपके पास रन है 250 और ओवर है 40, तो पर ओवर कितना रन चाहिए, ये क्वेश्चन था बस, कैंसिल करेंगे तो 6.25 आए। अब भी सब बच्चों को समझ में आया या नहीं ये बताइए। आ गया सर। अरे जिनकी आवाज नहीं आ रही वो बोले ना, स्टूडेंट तो 25 हैं। सर आ गया। आ गया सर। आ गया सर। थैंक यू।
बेटे हर बच्चे को समझना है, अगर इतनी दूर रह के डिस्टेंस मोड में, मैं आपको अगर क्लास में होते हैं तो मैं शक्ल से और आंखों के उससे बता सकता हूँ किस बच्चा कौन सा इंटरेस्ट ले रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा, बट इस डिस्टेंस मोड में है तो बिल्कुल फ्रेंकली कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्म नहीं, सीखने के लिए बैठे हुए। आप बताओ सर ये आपने ये वाला क्यों लिखा, ये वाला क्यों लिखा, इतने सर्किल में बना रहा हूँ, इतने कलर चेंज करता हूँ जिससे कि आप हर चीज को हाईलाइट कर सकें, आप देख सकें। तो ये मेरी कोशिश तभी कामयाब होगी ना जब हर बच्चा एक नहीं सर समझ में आया, फायदा हुआ, वरना हम एक घंटे डेढ़ घंटे बैठे रहे और वही चार पांच बच्चे ही सीख के जाएं तो कोई फायदा नहीं ना बेटे। वो तो सीख रहे हैं माशाल्लाह से, वो तो मुझे मैं उनको उससे आगे लेवल पे भी ले जा सकता हूँ, बट मेरे लिए वो भी बच्चा जरूरी है जो सबसे लास्ट में पीछे खड़ा। एक ही कोई मैं ये कहता हूँ, और मैं पढ़ाता भी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक क्लास में दो घंटे क्लास में पांच छह क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाता, बट कोशिश ये करता हूँ कि वो पांच छह क्वेश्चन इतने डिफरेंट तरीके से करें कि हम उसी पे 50 क्वेश्चन कर लें। तो प्लीज बोला कीजिए, पूछा कीजिए, अब क्लियर है ये चीज? यस सर। आप में से किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, और डाउट्स निकाला करो कहीं ना कहीं से, लाया करो ढूंढ ढूंढ के। पेपर्स आपके पास पड़े हैं तो पेपर के क्वेश्चंस लाओ, अगर किसी बच्चे के पास पेपर्स हैं उसका फोटो खींचो ग्रुप में डाल दो, इतनी भी हेल्प हो जाए। आपने कर लिया ना तो आप दूसरों के लिए ग्रुप में डाल दो, एक ही पेपर पे लिखो अलग अलग क्वेश्चन, पेपर्स के क्वेश्चंस एवरेज के डाल दो, मेरी भी हेल्प होगी आपकी भी आपस में हेल्प होगी। ये सर पिछले साल 2019 में बीबीए में, एलएलबी में, एमबीए में, बीकॉम में, टूर ट्रेवल्स में ये क्वेश्चन एवरेज से आया था, तो ये सब की हेल्प होगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि आपने तो कर ही लिया इसका मतलब। तो इस तरह की चीजें करिए तो इंशाल्लाह इससे एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटे? यस सर। गुड, चलिए देखिए, देखिए सबसे बेहतरीन रमजान है, रमजान के मतलब सिखाने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने ये अहकामात हमारे लिए रखे, रोजा उसमें एक फर्ज है मुसलमानों के लिए। तो रोजा हकीकत में वो चीज है जिससे आपको भूख के मायने पता चलें कि भूख किसे कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो खाना है। और वो शायद अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि घर के अंदर बंद रह के हमें कोई चीज नहीं चाहिए, सबसे पहले खाना चाहिए। अब किसी का दिल में नहीं आ रहा कि नया सूट बना लूं, नई गाड़ी खरीद लूं, नई जॉब कर लूं, नया कोर्स एडमिशन ले लूं, किसी के दिमाग में भी नहीं आ रहा। आप लोग कर रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन बस पहला टारगेट ये है कि भाई खैरियत के साथ घर में रह रहे हैं तो भाई दो वक्त का खाना नसीब हो जाए, वो भी सादा सा ठीक ठाक सा। ये नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए तो स्पाइस तो चिकन चंगेज ही चाहिए और सब नहारी और बिरयानी चाहिए, दिल जरूर करता है लेकिन जरूरत के इतना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब ये अहकाम अल्लाह के नाजिल कराए कि एक महीने का रोजा, तो यानी कि इस उम्मत को पता चले भूख किसे कहते हैं। लेकिन हम तो उसमें भी अल्लाह में तब आरइश ही ढूंढ लेते हैं कि हमारा रात शाम का दस्तखान इतना वसी होता है कि ये हम एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ना कि एक सबक जिसे कहना चाहिए उस तरह सेलिब्रेट करते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर, अब तो माहौल बंद है, क्या ही अच्छा होता कि अगर मुसलमान पूरे एक महीने जिस तरह से दूसरे लंगर लगाते हैं, लंगर लगाया करते हैं कि भाई ये सब के लिए दस्तरखान है, सब बाहर सड़क पर आकर पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी मखलूक के लिए खाना खिला रहे। तो ये बेटे बेहतरीन एक सबक देने के लिए रमजान इस लॉकडाउन में आया है कि इसका मतलब यही था कि भूख की शिद्दत महसूस करें और फिर जिसके पास नहीं है उसके पास पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा भूख ऐसी होती है, अरे यार पता नहीं, हमारे तो मजदूर, हमारे तो पास रहने वाले, हमारे तो नौकर, उनके पास खाना होता है नहीं होता है। हिंदुस्तान की खुद जो एनालिसिस है कहते हैं कि एक तिहाई से ज्यादा जो आवाम है हिंदुस्तान की वो भूखे पेट सोती है, उसे एक वक्त का खाना नसीब होता है। तब आप कोशिश करें, अगर आप हैं आपके पास दो रोटी है तो एक रोटी जरूर पड़ोसी को दें, किसी और को भी ना दे सके, हम कम से कम इतना ही ढूंढ लें जो आसपास का माशरा हमेशा कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने कि पहले अपने अजीजों में ढूंढो, अपने रिश्तेदारों में ढूंढो, अपने दोस्त अहबाबों में ढूंढो, अपने पड़ोस में ढूंढो। तो पड़ोस पास का सबसे पहले, तो हर कोई अगर अपने पास पास का ध्यान रखेगा तो इंशाल्लाह असर होगा।
घर की छत पे खड़े होके, कमरे के दरवाजे पे खड़े होके पड़ोसी से पूछते थे, भाई कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो, खाना है, नहीं है, एक रोटी हमारे से ले। ये एक बेहतरीन सबक है इस रमजान, अल्लाह करे इस पे अमल हो। एक दूसरे का हम ख्याल रखें, जो भी हमसे अटैच है कम से कम उनका हम ख्याल रखें। और जब ये सबक जाएगा तभी लोग इंसानियत को समझें कि हाँ इंसानियत इसे कहते हैं। मजहब का, हर मजहब का सेंट्रल जो है वो इंसानियत है। इंसानियत निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो गई। तो प्लीज रोजे स्टार्ट होंगे माशाल्लाह से। वो ये कहते हैं कि इबादत से ठीक है जन्नत मिलेगी, लेकिन खिदमत से खुदा मिलेगा। तो अगर खुदा मिल गया तो जन्नत तो अपनी है ही। तो खिदमत करिए जितनी ज्यादा हो सके, और उस खिदमत में ये कहीं वो नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो मुसलमान की ही करेंगे, आप इंसान हैं तो इंसान की ही करेंगे। उसमें सारी मखलूक आती है, जानवर भी आते हैं। तो सब पे रहम दिली, सब पे नरमी। हम तो मसला ये है आज की डेट में, किसी को दे तो क्या दें, हम तो दुआ भी नहीं देते दूसरे के लिए। हम तो किसी को देख के मुस्कुरा भी नहीं सकते, उसको भी जिसे कहना चाहिए इस तरह की निगाह से देखते हैं कि वो सामने वाला खत्म हो जाए। हसद से देखते हैं, बुगज से देखते हैं, नाराजगी से देखते हैं। अल्लाह करे हमें समझ में आए कि भाई क्या फलसफा है दुनिया का। एक महीने का रोजा रखने के बावजूद हमें दूसरे की भूख का अगर एहसास नहीं होता है तो फिर क्या जिंदगी है हमारी। अल्लाह आफियत करे। चलिए क्वेश्चन और देखिए छोटा सा, और ये सारे छोटे क्वेश्चन है बेटे, आप इनको ऊपर ऊपर से समझा करो। ये हमारे पास है एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, और ये शायद मुझे लग रहा है किसी टेस्ट से ही मैंने उठाए थे या क्या था। तो ये देखो एक क्वेश्चन और, एक ग्रोसर हैज A grocer has a sale of 6435, 6927, 6855 and rupees 7230 and rupees 6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of 6500? अब इसका कोई एवरेज की डिटेल से मतलब कि बहुत गहराई से एवरेज मुझे आता हो तभी मैं ये करूंगा, बस एवरेज का कॉन्सेप्ट मुझे पता है तो मैं क्वेश्चन को कर दूंगा। ए ए गुड, बी होगा इसका 4991। गुड, और कोई बच्चा? सर बी
आवाज कम लोगों की आई है बेटे, बताइए तो कोशिश करके। सर बी। गुड, और बच्चे बताएं। और बच्चे बताएं। जी भाई, आपसे कह रहे ग्रोसर हैज ए सेल। अब इसको अगर हम ब्रेक करें पार्ट्स में सब बच्चों के लिए, हैज ए सेल ऑफ रुपीज 6435। मैंने आपसे कहा ना तीन पार्ट हैं बेटे। सबसे पहला पार्ट होता है सर क्वेश्चन क्या है, क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपको समझना है। हमेशा मैं यही कहता हूँ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन तो आपको समझ में, मैं अभी समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे मेन काम है व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये समझ में आ जाए अल्लाह का। तो एक ग्रोसर हैज ए सेल ऑफ रुपीज 6435, 6927, 6855, 7230 and 6562 for 5 consecutive months, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पांचवें महीने में। How much sale must he have in the 6 month? 6 month में क्या sale होनी चाहिए? ये आपके पास इतने options हैं, ठीक है? मस्ट हैव इन द 6 month, तो आपके पास अब यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 6 month है। सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ रुपीज 6500। उन 6 month की जो एवरेज है वो 6500 होनी चाहिए। तो अब ये तो मुझे पता नहीं जो लेफ्ट साइड में दिया है उससे क्या मतलब है, लेकिन मैंने राइट साइड वाले से ये सीखा है कि अगर मुझे नंबर्स दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, तो मैं टोटल निकाल सकता हूं। इन तीन का फॉर्मूला होता है, तो 600 600 6 5 30 6 6 36 और 339। तो मुझे ये पता चल गया कि 6 महीने की टोटल सेल जो है वो 39,000 है। बताओ भाई सब बच्चे, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? yes, है ना भाई, आपसे कह रहा 6 महीने में आपकी एवरेज सेल जो है वो 6500 होनी चाहिए। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई हुई हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, मीन दिया हुआ हो, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी टोटल सेल 39,000 रुपए की होनी चाहिए 6 महीने में। लेकिन अब अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 5 महीने में कितनी सेल हो गई ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, इन 5 महीनों को ऐड कर लो, तो 5 + 7 = 17 19 1 2 1 3 4 2 6 5 11 3 14 6 20 2 2 4 6 9 15 23 25 30 3 9 15 21, ठीक है भाई, 21 32, और 32 के बाद 6 38। तो 38,009 रुपीज की 5 महीने में सेल हो चुकी है, 39,000 की होनी चाहिए। तो मुझे कितने चाहिए भाई, और कुछ गड़बड़ करा के हमने, सम कितना आया? 34,009 अच्छा फोर आ रहा 34,000
ठीक है चलिए टोटल में रहा होगा। तो आप हमें बताओ 39,000 में करने के लिए कितना और चाहिए? 4991 से तो नहीं आएगा बेटे ये। तो 4991 से कैसा आएगा? 35,000 होना चाहिए। 4991 जी 5991 नहीं तो ये 35 होना चाहिए ना। 35,000 जी बेटा 9 1 10 10 10 तो यहाँ 4 है ना 4 4 8 9 13 ठीक है 409 है ना ठीक तो आ रहा है 39 सही है सही 34,000 इसका टोटल कितना आया 34,000 सही यार नहीं सही यार ठीक तो आपका सम आ गया 34,009 rupees। तो ये 5 महीने की सेल है और ये जो है आपके पास 6 महीने की है तो आप चेक कर सकते हो जी। ठीक है तो आपका कितना आ जाएगा 4,990। तो ये दो अलग अलग चीजें थी कि भाई इंडिविजुअल अगर सेल्स देखनी है तो इतनी है और अगर एवरेज से सेल्स देखनी है तो इतनी है। तो प्लीज क्वेश्चन को समझना शुरू करिए। अच्छा ठीक है yes. चलो देखो एक क्वेश्चन और। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन जो 2019 में बीबीए बीकॉम में आया है जामिया में। अब आप ये बताना कि उसमें थोड़ा सा एक पार्ट दूसरा भी यूज हो रहा है कि उसमें कितनी डेप्थ हमें चाहिए। सिर्फ अगर नॉलेज है इंफॉर्मेशन है तो हमारा काम चल जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है जो जामिया 2019 में बीबीए में आया है। सर अरिथमेटिक मीन होगा अभी बताएंगे होगा क्यों। आपसे क्या कह रहा है द फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए जर्नी विच इज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मुझे अगर एक्चुअली एवरेज स्पीड निकालनी यहाँ एवरेज आ रहा है इस वजह से यहाँ लेके आया हूँ बट एवरेज स्पीड एक अलग चीज होती है बट एवरेज टर्म यूज हो रहा है तो मैं इसको यहाँ डिस्कस करूंगा। एक होता है अर्थमेटिक मीन एक होता है ज्योमेट्रिक मीन एक होता है हार्मोनिक मीन और एक होता है वेटेड मीन। अर्थमेटिक मीन वही होता है जो हम निकाल रहे हैं एवरेज मीन रेट वो हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए जर्नी विच इज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन्हें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे किसे कहते हैं मीन को मीडियन को मोड को। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है तो अब इसमें से कौन सा वाला मतलब किस तरह से हम डेटा को सेंट्रली निकालते हैं इस तरह की बात हम करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब। तो ये हमारी चीज है तो अब इसमें कौन सा होगा। अभी आपने कहा अर्थमेटिक मीन होगा आप कह रहे हो ज्योमेट्रिक मीन होगा। यस सर। अच्छा मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मैं पास होता हूँ ठीक है सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब ये है अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई हमारी कार की जो स्पीड है ठीक है वो पहले 40 किलोमीटर रही ठीक है फॉर 2 आवर्स और फिर 60 किलोमीटर रही फॉर 3 आवर्स और फिर 100 किलोमीटर रही फॉर 2 आवर्स। अब आप इसकी एवरेज स्पीड बताओ। अब आप इसकी क्या बताओ एवरेज स्पीड बताओ।
तो अब एक तरीका तो यह है, जैसे हम मीन निकालते हैं, कार की स्पीड हम कह रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर फॉर टू आवर्स, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर टू आवर्स, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर फॉर थ्री आवर्स. तो जैसे हम निकालते हैं तो आप कह सकते हो कि सर पहली स्पीड ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो 40 प्लस 60 प्लस 100 अपॉन 3. अगर आप अपनी स्पीड का एवरेज ऐसे निकालेंगे कि भाई तीन स्पीड दी हुई थी, तीनों को आप प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगा. तो ये आंसर गलत है. टोटल डिस्टेंस अपन टाइम करेंगे, ठीक है. तो अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है. तो अब आपके पास क्या है, आपके पास ये है बेटे, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा हूं कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन है तो मैं कर दूंगा, मुझे नहीं है तो मैं नहीं करूंगा. इसमें डिटेल्स नहीं चाहिए कि बहुत डेप्थ होनी चाहिए थी, अच्छा यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से मतलब हम करेंगे, नहीं. जस्ट द इन्फॉर्मेशन, जैसा ऊपर बच्चे ने बता दिया, जैसे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो इतना सा अगर आइडिया है तो भी काम चल जाएगा. तो ये बेटे मेरे स्पीड है और ये मेरा टाइम है. क्या जब मुझे स्पीड दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो मेरा हो जाएगा 80 किलोमीटर, मेरा हो जाएगा 180 किलोमीटर, मेरा हो जाएगा 200 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 380 और 460, 460 बाई 3, ठीक है सर. तो ये आपका एवरेज स्पीड आएगा. अब सर इसका एवरेज से क्या मतलब है, ये हमने तो पढ़ा नहीं सर, आप कह रहे हो. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक चीज की जो वैल्यू दी हुई है कि इतने टाइम्स, मतलब 40 किलोमीटर एक घंटे के लिए नहीं है, 40 किलोमीटर टू आवर्स के लिए है, तो आपको उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो इसे कहते हैं बेसिकली वेटेड मीन, कि इसका वेट कितना है. 40 का वेट 2 टाइम्स आ रहा है, 60 का वेट 3 टाइम्स आ रहा है, 100 का 2 टाइम्स आ रहा है. तो ये वेटेड मीन कहलाता है. इसको हमने कहाँ किया था, इसको हमने ये किया था कि भाई हमारे पास एक क्लास है सेक्शन ए, उसमें 20 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज, उनका जो एवरेज आया है वो 30 मार्क्स है. और जो बी सेक्शन है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज आया है वो 20 मार्क्स है. आप दोनों सेक्शन का एक साथ एवरेज बताओ. तो आप क्या करते थे, कुछ याद है? टोटल एवरेज बताओ पूरे स्कूल का या पूरे उसका, टोटल एवरेज बताओ. तो आपको याद होगा कि भाई ए सेक्शन में 20 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 30 है, तो उनका टोटल मार्क्स कितना हो गया भाई, 600. यस और नो? यस सर. और बी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज 20 मार्क्स था, तो उनका टोटल भी कितना हो गया. तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि दोनों सेक्शन में 50 तो स्टूडेंट्स हो गए, दोनों सेक्शन में 50 तो स्टूडेंट्स हो गए, और टोटल मार्क्स हो गया 1200. तो पूरी क्लास का या पूरे स्कूल का जो एवरेज आएगा वो 1200 अपॉन 50 आएगा. बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, तो हम क्या करते हैं कि जिसकी वैल्यू जो दी हुई है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई 20 की वैल्यू 30, तो इसका वेट 30 है इस टाइम, तो टोटल कितना हो गया, 30 का वेट 20, तो इसका कितना हो गया. तो टोटल ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, जो मीन वाला पार्ट है वो गायब हो जाता है. जी. तो इसे कहते हैं वेटेड मीन. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको है तो आप आंसर लगा दोगे. तो वहां पे अर्थमेटिक मीन नहीं लेना होता, वहां पे वेटेड मीन लेना होता. तो ये था 2019 का क्वेश्चन बेटे, ठीक है. और सर इसमें एवरेज निकालते समय टोटल टाइम से डिवाइड करना है या फिर नंबर ऑफ किलोमीटर से, किससे क्या निकालते हुए? सर जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व करा था 460 को 3 से, तो सर इसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे या नंबर से करेंगे? टोटल टाइम से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सर 7 आ रहा है ना, टोटल टाइम से सर 7 आ रहा है. बिल्कुल 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 7 आवर्स. ये ध्यान रखना एवरेज स्पीड में भाई, टोटल टाइम वही जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, बिल्कुल सही का. जैसे हमने यहाँ ऐड किया है कि 20 स्टूडेंट्स प्लस 30 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स 2 नहीं होगा, इसी तरह से ये इन्होंने बताया कि 2 प्लस 3 प्लस 2 7 आएगा. सर एक क्वेश्चन था सर. जी बेटे बताइए. सर ये वाला ना, ये क्वेश्चन एक बुक में भी दिया हुआ था, तो उसमें सर आंसर में हार्मोनिक मीन दिया था, आप मुझे बस बता दीजिए ना हार्मोनिक मीन होता क्या है. बेटे एक्चुअली क्या है, हम बात करें अगर हमारे पास तीन सिक्वेंस हैं, एक एपी होता है, एक जीपी होता है, एक एचपी होता है. जी.
ठीक है, एपी होता है कि अगर आपके पास नंबर्स जो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपके पास है, तो जिनके बीच में नंबर सेम होता है उसे एपी बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, उसे बोलते हैं एपी। तो अगर हम इनका मीन लेते हैं तो वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है। और स्पेशली अगर मैं आपको कहूँ एपी के अंदर अगर आपके पास तीन टर्म है, कितने टर्म्स, तीन, तो मिडिल टर्म को मीन कहते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन। अगर हमारे पास नंबर्स ऐसे हो जिनका रेशो सेम हो, जिनका रेशो सेम हो, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस हो रहा था प्लस टू, यहाँ पे प्लस टू हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटू टू हो रहा है, तो ये कहलाता है जीपी। अब अगर इसमें तीन टर्म है तो मिडिल टर्म को जीएम कहते हैं, ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर आपके पास जो एपी में है अगर उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 and so on, तो ये कहलाता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी का रिवर्स, एपी का रेसिप्रोकल। तो अब अगर ये तीन टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स हैं, जी, तो इनकी मिडिल टर्म को हार्मोनिक मीन कहते हैं, बस इतनी सी बात। ठीक है सर, समझ गए। अब बताओ इसमें हार्मोनिक मीन से हम एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालें, ठीक है बेटे? जी जी सर। ये है प्रक। जी जी, गुड सर, समझ में आई ये बात? तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आपको जब अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स में आप ढूंढोगे, एक दूसरे से शेयर करोगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करे तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करे, उससे ये नहीं होगा कि मेरा कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है, उससे ये होगा कि 10 क्वेश्चन फालतू आप लोग डिस्कस करो, तो ये चीज आदत बना लीजिए। तो क्वेश्चंस ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा देखो और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जामिया में आया था पिछले साल 2019 के पेपर से लिए। चलो एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है मैंने किसी पेपर से ही कलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं जो एवरेज पेपर्स में आए हुए हैं। बताइए, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, ऑफ देम हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। अब इसके लिए कोई मुझे इंफॉर्मेशन, मतलब कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे आता है या नहीं आता है। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। देखो ध्यान ये रखना, ये ध्यान रखना है जी, 0 yes. आपके हिसाब से सी, हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स 0 से बड़े हो सकते हैं जिससे के एवरेज 0 आए। तो आप कह रहे हो ऐसा कोई नंबर नहीं, 0 नंबर्स होंगे, ठीक है, एवरेज 0 लाने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 0 नंबर से एवरेज 0 ले आए। अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 19, ओके, और कोई? मुझे ये बताओ सब बच्चे एवरेज 0 कब आएगा? सर जब टोटल सम 0 हो जाए। ठीक है, आपका जो एवरेज है ना, आपका जो एवरेज है बेटे वो 0 तभी हो सकता है, देखो नीचे तो कुछ ना कुछ नंबर्स रहे होंगे। यस सर, आप एवरेज अगर किसी चीज का निकाल रहे हैं, एवरेज हमेशा एक से ज्यादा का होता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और अगर यहाँ 0 आ जाए
तो फिर हम जीरो से डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो से डिविजन होता नहीं है, तो नीचे वाली टर्म तो जीरो पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो अब ऊपर होता है सम, तो अगर हमारा सम ही जीरो आ जाए, टोटल जीरो आ जाए, तो फिर हमारा एवरेज जीरो आ जाएगा। अब सम जीरो लाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है ये पूछना चाह रहा है वो। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज जीरो का मतलब है कि भाई हमारा सम जीरो है। तो अब ठीक है, नंबर्स हमारे पास 20 हैं, उसने पहले ही कह दिया कि 20 नंबर्स हैं। तो इन 20 नंबर में से कितने नंबर ऑफ देम, हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन जीरो, कितने नंबर ऐसे होंगे जो जीरो से बड़े होंगे। जीरो से बड़े होने का मतलब पॉजिटिव से है सर। देखो आप ले रहे हो सम और सम आ रहा है जीरो, तो सर अगर सम जीरो आ रहा है तो उसमें कुछ नंबर पॉजिटिव हैं और कुछ नंबर नेगेटिव जरूरी है, तभी उनका जो सम आएगा वो जीरो आएगा। तो आपसे पूछ रहा है उनका सम जीरो लाने के लिए जीरो से बड़े कितने नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। 20 19 पॉजिटिव ले लेंगे और उसका जो टोटल आएगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। देखो देखो अगर 20 ही पॉजिटिव, 20 सर, हाँ सुन लो बेटे, अगर 20 आप पॉजिटिव ले लोगे तो फिर सम जीरो कहाँ से आएगा। यस, कभी नहीं आएगा वो, कभी नहीं। अगर आपने 20 के 20 पॉजिटिव, क्योंकि नीचे 20 है ना हमारे पास, यस नीचे 20 ही नंबर्स हैं, अगर आपने 20 के 20, अगर 20 आपने पॉजिटिव ले लिए तो उनका सम कभी जीरो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई हम 19 पॉजिटिव ले लें, ठीक है, मैक्सिमम की कह रहा है ना बात, तो मैक्सिमम हो रहा है, होने को तो 5 भी नेगेटिव हो सकते थे, 5 पॉजिटिव, लेकिन मैक्सिमम कह रहा है, तो 19 पॉजिटिव ले लिए और मान लो उनका सम आ गया 19 पॉजिटिव का 200 और हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जिसका वैल्यू है -200। आगे बात समझ में, अगर 19 का टोटल पॉजिटिव वाले का और एक नेगेटिव का टोटल, एक की वैल्यू इक्वल है, तब भी सम कितना आएगा। तो नेगेटिव तो अकेला ही काफी है ना। yes, तो बस बात खत्म हो गई। तो मैक्सिमम 19 भी पॉजिटिव होंगे तब भी सम जीरो आ सकता है, क्योंकि एक आपने छोड़ दिया नेगेटिव के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ढूंढो, किताबों में देखो, जो वर्कशीट दी है उसमें देखो कि कितने डिफरेंट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। आई बात समझ में। तो डिफरेंट यहाँ पे वो नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वाली चीजें चाहिए, नहीं कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो बस मुझे एवरेज के टॉपिक से, एवरेज के टॉपिक की इंफॉर्मेशन है या नहीं, सम जीरो होगा तभी मेरा एवरेज जीरो होगा ये मुझे आइडिया है या नहीं, सम जीरो होने के लिए क्या होगा भाई, कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, तो जीरो से बड़े पॉजिटिव कितने हो सकते हैं जिससे कि हमारा जीरो आ जाए, तो ठीक है ये चीज बताओ। चलिए सर एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर कुछ और स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज रुपीज 50-50, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 6250, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 5200, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए। मजाक करा है आपके साथ। यस सर, आंसर दीजिए।
डी So 4,000. जी सर आंसर आया सर 4,000 सर डी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एवरेज मंथली इनकम ऑफ एएनबी इज 50-50 तो आप फिर वही जो आपके पास इंफॉर्मेशन है बात उसी की करेंगे कि भाई हमारे पास क्या है दो लोग हैं ए और बी तो नंबर्स हो गए टू ना और एवरेज हो गया 50-50 तो आप चीजों को समझते जाइए और करते जाइए कि भाई नंबर हो गए टू नंबर हो गए टू और एवरेज हो गया 50-50 ये फिलहाल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था तो इनका दोनों का ए और बी का सम निकाल सकते हैं ऑप्शन आ रहा है 2,000 क्यों भाई आ जाएगा आपके पास 11,000 सो कितना 10,100 है ना 5,050 का मतलब है 10,100 ये मेरे पास है अब इसी तरीके से आपके पास B और C है तो B और C का सम भी निकाल सकते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई A प्लस B का सम हो गया 10,100 B और C का सम हो गया कितना होगा भाई 6,000 12,500 और फिर A और C का सम हो गया मैं सिर्फ सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ जी सर हाँ. तो हो जाएगा 10,400 क्यों भाई सही है ये बात हाँ सर अब आप क्या है ए और बी बी और सी ए और सी आ गया अब इन तीनों को आप प्लस कर दो तो अगर आप तीनों को प्लस करेंगे बेटे तो इसमें होगा क्या इसमें ए टू टाइम आएगा बी टू टाइम आएगा सी टू टाइम आएगा तो तीनों का आ जाएगा बस कितना आएगा भाई 5,491,10,213,33,000 टू से आप डिवाइड कर दो तो कितना आएगा भाई 2,1,2,2,5,2,6,12,2,5,10,6,500 ठीक है 16,500 आ गया तो अब यहाँ पे आप जिसका चाहे बेटे ए का निकालना चाहो बी का निकालना चाहो सी का निकालना चाहो निकाल सकते हो कैसे निकालोगे ये मेरे पास पहली इक्वेशन है ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन है ये मेरे पास किसी भी इक्वेशन में डाल करके सर उसमें माइनस नहीं जिसको आपको निकालना है अब अगर एक सेकंड अगर ए बी सी में से आप ए बी को माइनस करोगे तो सी आ जाएगा बी सी को माइनस करोगे तो ए आ जाएगा ए सी को माइनस करोगे तो बी आ जाएगा आपसे क्या कह रहा था आपसे कहता व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ बी तो अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्थ में से टू को माइनस कर दो तो उससे टू से माइनस करने से क्या होगा बी से बी कैंसिल होगा सी से सी कैंसिल होगा बचेगा कौन ए तो इसे करना नहीं मुझे तो ये देखना है 16,500 में से 12,500 माइनस करो
तो बचा क्या 4000 ये आंसर है बस ठीक है सर जी सर चलो जी कुछ और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सर जो ए का इनकम है वो मंथली इनकम है या फिर एवरेज मंथली इनकम है हमारे पास जो आया है वो क्या आया है द एवरेज मंथली इनकम आ रहा है ना तो वहां से पूछा भी है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए ए और बी की एक महीने की इनकम का एवरेज जो है ना 5050 है जी बस ठीक है सर क्या पढ़ेंगे बताओ रीजनिंग में क्या पढ़ाऊं रीजनिंग पढ़ेंगे सर एक क्वेश्चन पूछ लूं पूछो जी सर मैं इन अ क्रिकेट 11 द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर इज 28 इयर्स एक सेकंड जी बोलिए क्या क्या बोल रहे हैं आप In a cricket 11, the average age of 11 players is 28 years. In a cricket? जी. Cricket team होगा है ना? Sir, यहाँ पे question में 11 ही दिया हुआ है. Team, हाँ sir. In a cricket 11? जी? जी. चलो, जी. cricket 11. The average age of 11 players is 28 years. The average age of? 11 players. 11 players. Is 28 years. Players is 28 years. जी. Full stop. Out of these. Out of these. जी. जी. The average age of three groups. The average age of three groups. Of three players. Of three players. Each are 25. Each are. 25, 28, and 30 years. 30 years, yes. Full stop. Ji. If in these groups, the captain, and the youngest player. Are not included. And the captain is. 11 years. Is 11 years. Older than the youngest player. Youngest player. What is the age of the captain? What is the age of the captain? Captain. ये मर्ज़ी. Option. Option की ज़रूरत नहीं है मैं. ठीक है. हाँ भाई. ये मेरे पास क्वेश्चन है. ठीक है. इन्हें क्रिकेट टीम द एवरेज ऑफ Age of 11 player is 28 years. ठीक है, इसे थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं. जो बच्चों को लिखा हुआ नजर आ रहा है वो सोचना शुरू कर दें. इन्हें क्रिकेट टीम द एवरेज Age is 28 years. Out of these, the average age of three groups. Of three players. Sir, 45 year आ रहा है. इससे अच्छा तो मैं इसे लिख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता. Sir, 45 year average
अरे सर वेरी गुड. मैं चाह रहा था कि आपको इसे लिख के समझाऊं. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है. ये ज्यादा ज्यादा एक मिनट का क्वेश्चन है. सिर्फ मैं आपको डिटेल देने के लिए सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ कि मैं लिख दूं तो आपको समझा सकूं है क्या. जो बच्चे कर सकते हैं वो कोशिश करें. क्योंकि ये लैंग्वेज है असल में, और हमारा दिमाग ऐसा है जब कुछ बड़ी सी चीज होता है डर जाता है, तो आधे तो इसे छोड़ देंगे, सर छोड़ो पता नहीं क्या है, तो वो वाली चीज है गड़बड़. उसको भी आपको बर्दाश्त करना है कि नहीं मुझे खड़े रहना है थोड़ी देर. जब थोड़ी देर खड़ा रहूंगा तो डर खत्म हो जाएगा. ये जो राइटिंग की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप फिर हर वर्ड का मीनिंग निकाल सकें कि अच्छा सर ये यहाँ था ये यहाँ था. ये किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद हमने इसको क्लास में डिस्कस किया. देखो बेटे अब चीजों को ब्रेक करते हैं. ये हमने लिख लिया आपका क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज एक बार आप चेक कर लेना, मुझे बता देना सही लिखा है नहीं लिखा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है. और फिर देखो कितना इजी क्वेश्चन. अरे क्या करें जी बेटे. देखो अभी ये क्वेश्चन है ना, इन ए क्रिकेट 11 द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर इज 28 इयर्स. ठीक है ये. Yes? क्या मैं इसका मतलब ये समझ लूं बेटे कि 11 into 28 is equals to कितना आ गया भाई? 308. कि भाई 11 प्लेयर्स की जो टोटल एज है yes or no? सब बच्चे बताओ. हम अब इसमें से ना मतलब एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार बार वही तो कह रहा हूँ कि सर प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ जाए. तो मैं कह रहा हूँ उसे पूरी को एक साथ पढ़ा मत करो. इन्हें क्रिकेट 11 उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग चीज थी. तो अब आपसे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इज 28.
तो इस से मैं ये निकाल सकता हूं, इस पार्ट से मेरा ये मतलब निकल के आया। सर बात सही है? अब आपसे क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज द एवरेज एज ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री प्लेयर्स ईच आर। अब आपने क्या करा, तीन तीन प्लेयर्स के तीन ग्रुप बना दिए। तो पहले तीन प्लेयर का जो एज है वो 25 है, तो उन तीन का सम हो जाएगा 75। फिर तीन का जो एज है वो है 28, तो उनका सम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ठीक है 74, ठीक है 84, ठीक है। फिर तीन का जो वो है एवरेज है वो 30 है, तो सर उनका सम कितना हो जाएगा 90। इन सब का जो सम होगा, इन सब का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 90, 80, 170, 240, 249, यस सर नो? तो अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास आ गया बेटे कि 11 प्लेयर्स का जो एज है वो आप पहले निकाल चुके 308, और जो 9 प्लेयर्स का एज है बेटे वो आप निकाल चुके 249। तो आप क्या दो प्लेयर का एज निकाल सकते हो, जो बाकी के दो बचे उनका एज निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते है जी? 249 होगा सर, 248। हाँ भाई, तो दो प्लेयर का एज कितना हो गया बेटे, 308 से 249 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 59। कितना हो गया, 59। अब ये जो दो प्लेयर हैं ये कौन है, एक तो है कैप्टन, ठीक है, और एक जो है सर वो यंगेस्ट है ना, उन दोनों का सम हो गया 59। आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि कैप्टन 11 साल बड़ा है, क्यों भाई जी? क्वेश्चन क्या था आपसे, कह रहा था द कैप्टन, एक सेकंड, द कैप्टन इज 11 इयर्स ओल्डर देन द यंगेस्ट प्लेयर। तो अगर यंगेस्ट को एक्स ले लोगे बेटे, अगर यंगेस्ट को एक्स ले लोगे आप, ठीक है, तो कैप्टन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 11 है ना भाई, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस 11। तो अब आपके पास क्या हो गया बेटे, अब आपके पास हो गया एक्स प्लस 11 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 59। कुछ समझ में बात आई जी? जी। तो बेटे 2x कितना आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 59 माइनस 11 48। तो x इज इक्वल्स टू कितना, 24। कौन है यंगेस्ट? आपको निकालना था कैप्टन, कैप्टन इससे 11 साल बड़ा है, 24 प्लस 11 35। यस 35, ये है आपके पास, ठीक है जी सर। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये कितना सा था बेटे, अब देख लीजिए। ये सब बच्चों को समझ में आया थोड़ा बहुत, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ सब बच्चों के लिए। हमारे पास क्या था, हमने ये निकाल दिया था, पहले ग्रुप का हमारे पास आ गया, दूसरे ग्रुप का हमारे पास आ गया, तीसरे ग्रुप का हमारे पास आ गया, 9 प्लेयर्स का हमारे पास आ गया, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, चलिए आपके लिए लिखा रहने देता हूं। तो 2 प्लेयर्स का आ गया कैप्टन ये। अब इसको अगर मैं ऊपर ही सॉल्व करता तो कितना सा था बेटे, इधर देख लीजिए, मेरे पास क्या है, वहीं पे लिखना था सीधा सीधा सा, बस मेरे पास क्या था कि 11 प्लेयर्स का बेटे 28 एज है तो मल्टीप्लाई करूंगा 308 आ जाएगा, ठीक है बेटे। 25 को 3 से करूंगा तो 75 आएगा, 28 को करूंगा तो 84 आएगा, उसको करूंगा तो 90 आएगा बेटे, टोटल मेरा आ जाएगा कितना 249। तो 2 का मेरे पास आ गया 308 माइनस 249 59। हमारे पास क्या है, जो भी यंगेस्ट प्लेयर है वो कैप्टन जो है उससे 11 ज्यादा है, तो बस इतना सा था और कुछ नहीं। तो यंगेस्ट मेरा आ जाएगा 24, तो कैप्टन मेरा आ जाएगा 35। कुछ समझ में आया बेटे? जी सर। इतना था करना, कहने का मतलब है लैंग्वेज बड़ी है तो उससे डरना नहीं, उसे थोड़ा सा इजीली लेना है और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकालते जाओ और उसे करते जाओ।
बताओ सर क्या टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे? हिम्मत बची है थोड़ी बहुत? नहीं अभी जी सर, हिम्मत बची है? सर। नहीं थोड़ी बहुत सर। माशाल्लाह, बोलिए क्या पढ़ेंगे? जीके। जीके में क्या पढ़ेंगे बताइए सर? करंट अफेयर, हिस्ट्री। हिस्ट्री माशाल्लाह। सर जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे जी। देखो आप सब लोग जो हैं, मैं आपकी जीके करंट अफेयर्स में या आपकी जो जनरल स्टडीज है उसमें इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, दो चार ही एंट्रेंस दिए जामिया के, डीयू के, बट ये हुआ कि जो भी एंट्रेंस दिया उसमें सिलेक्शन हो गया गलती से। इंटरव्यू जितने भी दिए जॉब्स के कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, और एडमिशन्स के लिए जितने एग्जाम दिए उसमें कोई मुझे रोक नहीं सका, तो ये अल्लाह का शुक्र रहा। तो मैं आपकी जीके करंट अफेयर्स में सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि स्ट्रेटजी बता सकता हूँ आपको, होमवर्क दे सकता हूँ आपको, शीट दे सकता हूँ आपको, अगर उतना कर लेंगे तो काम हो जाएगा, उतना कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो बताएं उतना ही सर। हाँ सर उतना ही बता दे काफी। तो सुन ले, नहीं तो सुन ले बात इंशाल्लाह, वही मैं प्लीज आपको कर दूं। तो आप लोग क्या करिए, मैंने हमेशा जो किया था बेटे जीके करंट अफेयर्स में, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने टॉपिक्स डिवाइड करिए, और रोज आपको एक चीज जरूर करनी है, मतलब अगर आपने टॉपिक डिवाइड कर लिया तो मुझे भाई एक घंटा दो घंटा जीके जरूर पढ़ना है, पढ़ना है, मेमोराइज करने की कोशिश करना है, और फिर फाइनली उसको अपने हाथ से लिखना है, और वो जो कॉपी आपकी बनेगी, ठीक है, उस कॉपी को अपने पास रखना है जिसपे आप लिखोगे, वो चीज आप आदत डाल लीजिए। तो इसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा, मैं क्लास में भी एक दो मरतबा बता चुका हूँ कि आप अपने हर टॉपिक को दो लेवल पे डिस्कस करेंगे, एक तो नेशनल और एक इंटरनेशनल। रोज आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट कर सकता हूँ, इवन क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और एज पर बिल्कुल जिसे कहना चाहिए स्पेसिफिक वो आपको दे सकता हूँ, लेकिन करना फिर आपको कि नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब आप अगर अपना पेपर उठाएंगे, कोई सा भी पेपर अगर आपके पास है, इवन स्पेशली मैंने बीबीए और एमबीए के पेपर उस पर डाल दिए हैं गूगल क्लास पे, उसमें से आप कोई सा भी उठा लिए तो आप उसमें से टॉपिक देखेंगे कि होगा क्या, कि होगा ये कि पॉलिटिक्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन होगा, करंट पॉलिटिक्स जिसे आप करंट अफेयर कह सकते हो, करंट बिजनेस के ऊपर जरूर होगा, ठीक है, करंट स्पोर्ट्स के ऊपर जरूर होगा, करंट अवार्ड्स के ऊपर जरूर होगा, जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं या जिसे कहना चाहिए इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं वर्ल्ड में या नेशनल में, नेशन में, तो वो जरूर उनके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी पे अगर कुछ एक्स्ट्रा वो है तो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री उसके बारे में हो सकता है, और जिस कोर्स में आप जा रहे हो उसके बारे में कुछ हो सकता है करंट लीगल, कोई अगर एलएलबी की बात कर रहे हो, कोई नया कानून बना है, ठीक है, सोशल बीबीए बीकॉम की बात कर रहे हो, कोई नई कंपनी बनी है उसका सीईओ, तो उस तरह से, तो अगर आप उस तरह से ले लें तो आप देखेंगे कि भाई हमारे पास कुछ ना कुछ कभी राइटर्स पूछे जाते हैं, ऑथर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप कर लीजिए। उसमें फिर वही कि आपके पास राइटर्स, नेशनल राइटर्स, इंटरनेशनल राइटर्स, एक टॉपिक ले लें कोई सा भी आप पहले, और उसी को कर लें। मान लीजिए आप जो है पहले स्पोर्ट्स ले लें कि भाई अब तो हम स्पोर्ट्स पढ़ेंगे बस। अब जैसे ही आपने स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया, अब स्पोर्ट्स में पहले आप गेम सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने गेम्स जो हैं, अच्छा न्यूज और व्यूज या फिर ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं गेम्स पे बनेंगे जो चर्चा में है, जिन पे डिस्कशन होता है, कैरम के बारे में कोई नहीं पूछेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो स्पोर्ट्स में अगर आप बात कर रहे हो तो चलो सर आज हम सिर्फ क्रिकेट पढ़ेंगे, तो आज आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पढ़ डालिए। जब आप क्रिकेट पढ़ेंगे तो पहले अबाउट द क्रिकेट भी पढ़ लीजिएगा, कभी 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 क्वेश्चन सिर्फ गेम के बारे में ही, जो क्रिकेट की पिच होती है वो कितनी बड़ी होती है, जो बॉल होती है उसका अप्रोक्स वेट कितना होता है, जो बैट होता है उसकी साइज क्या होता है,
उसमें जो टर्म्स हैं, गली है, स्टेट है, विकेट कीपर है, ठीक है, वो जो हेलो हेलो जी सर, बीच में इंटरप्ट हो गया था क्या? यस सर, सॉरी। तो मैं आपसे ये कहता बेटे कि आप अगर जीएस करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो तो आप अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लो और उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस कर लो। तो कहीं से भी आप ले सकते हो, मैं फिर आपको वर्कशीट टू द पॉइंट जिसे कहना चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, फिर हम उस पर नेक्स्ट डे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ले सकते हैं। तो जैसे अगर आप डिस्कस करें स्पोर्ट्स की, मैं कह रहा था तो स्पोर्ट्स के ही अगर हमें करना है तो दो दिन या एक दिन या तीन दिन आप ले लीजिए कि बस मुझे स्पोर्ट्स का करना है। स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम्स हमारे हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है, तो मान लीजिए क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, टीटी भी इतना, टेबल टेनिस भी नहीं होता। अगर टेबल टेनिस होगा जब हमारा ही कोई प्लेयर उसमें कोई अवार्ड लेके आया होगा, ठीक है, रेसलिंग हो सकता है, समटाइम हमारे यहाँ खो खो में कोई वो प्राइज ले आते हैं तो वो हो सकता है, हॉकी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है। तो जो फेवरेट गेम्स हैं जिन पे न्यूज बनती है उसके बारे में, तो पहले आप लिस्ट बना लें कि मुझे किसके बारे में पढ़ना है। फिर दूसरी बात, जब आप गेम के बारे में पढ़ रहे हो तो अबाउट द गेम, अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट द ट्रॉफीज, अबाउट द मैचेस, वो बात की बात है, अबाउट द गेम। क्रिकेट है तो क्रिकेट में क्या क्या होता है भाई, ग्राउंड होता है कितना बड़ा होता है, उसका पिच होता है कितना बड़ा होता है, उसमें विकेट्स कितने होते हैं, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, गली, स्टेट, फॉरवर्ड, विकेट कीपर, लेग, बाई, ये सारे टर्म्स। सर कभी पूछ लेता है कि दिस टर्म बिलोंग्स टू विच गेम, बाई है, अब ये बाई किस में आता है, बाई बैडमिंटन में आता है, बाई जो है ये आपका क्रिकेट में आता है, बाई जो है फुटबॉल में आता है, तो वो टर्म्स भी आपको पता पहले आप देखिए। फिर उस क्रिकेट के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से मैचेस होते हैं, जैसे आईपीएल है, ठीक है, जैसा एशियन ट्रॉफी है, जैसा वर्ल्ड कप है, तो ये कौन कौन से, जैसा आपका रणजी है, तो ये कौन कौन से जो नाम है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है या ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है या हॉकी से एसोसिएटेड है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले अबाउट द गेम, फिर उसमें अगर अब गेम आपका हो गया तो अब कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, तो स्पेशली जो वर्ल्ड लेवल पे है वर्ल्ड कप, अगर नेशनल लेवल पे है तो जो आपके पास रणजी होती है या जो भी छोटी आपके पास होती है, वो उसमें अभी कब हुई थी, अब कब होगी, पिछला किसने जीता, आगे का क्या है, किस मैदान में हुआ, कौन प्लेयर हुआ, ठीक है, कौन उस टीम का कैप्टन था, तो ये चीजें आपके साथ। तो अगर इस बारीकी से आप अपने नोट्स बनाएंगे तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपको क्वेश्चंस नहीं लर्न करने कि आपने स्पोर्ट्स के ऊपर 20 क्वेश्चन कर लिए, जरूरी थोड़ा है वो 20 क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आपने उस स्पोर्ट्स के ऊपर 20 लाइन लिखी तो उस पे 200 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेहरबानी करके इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करिए, तब बात बनी। तो मैं दो दिन के लिए सेट कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है आप सब बच्चे, तो स्पोर्ट्स पे ही हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स की मैं शीट्स इस ग्रुप में डालूंगा, और सैटरडे है, संडे है, मंडे, तीन दिन के लिए हम स्पोर्ट्स रखते हैं। कोई और भी अगर सिलेक्टेड, मैं बता दूंगा, अगर आप में से कोई डालना चाहे ग्रुप में डाल दीजिएगा, बट मैं बता दूंगा कि बेटे इसमें ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है, ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है। आप किसी भी जीएस जीके के क्वेश्चन अपने पेपर्स में देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो इजी क्वेश्चन थे, बस अगर ध्यान से दिया होता तो आंसर दे दे। तो आज से इंशाल्लाह मैं डालना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग उस पर कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए सर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब आपका इंशाल्लाह मंडे आपसे डिस्कस करेंगे, 12 बजे का टाइम सही है? जी 8 बजे सर, 12 बजे, 8 बजे, 12 बजे भाई, 12 बजे सर सही है, ठीक ठीक है जी, इंशाल्लाह जी सर, ओके चलिए बेटे, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम।